जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए और फ्रेश वीडियोस में। एंड गजास के इस नई वीडियोस में हम बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के फंटेसी टीम प्रेडिक्शन के बारे में, एंड आज के ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग हेड टू हेड टीम के बारे में। जो कि अगर आप ये वीडियोज़ कम्प्लीटली देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको हर प्लेयर का स्टेट्स रिसेंटली परफॉर्म एंड जो कि ग्राउंड पे किस प्रकार से परफॉर्म है या तो वर्सेस में किस प्रकार से परफॉर्म है, सारा कुछ आप डिटेल्स में एंड कम्प्लीटली तरीके से जान पाएंगे, जिससे आप खुद से भी टीम को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा पिच रिपोर्ट और ग्राउंड रिपोर्ट किस प्रकार से है बैट्समैन बॉलर्स का, तो आप सब कुछ समझ जाएंगे ना। और फिलहाल रिसेंटली मैचेस में आपने देखा किस प्रकार से हमारी टीम थी, अल्ट्रा क्लीनशिप हुई, ग्रैंड लीग के लिए कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया था, हेड टू हेड स्मॉल लीग में हमने अच्छा विन किया और स्टार्ट आईपीएल में ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस में हमने विन किया। ठीक है, तो आज की इस मैच में कैसी टीम रहेगी, हमारी कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होगा, ये सारा कुछ हम जानने वाले हैं। एंड जो कि फिलहाल आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है उसको मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर फिलहाल हम वीडियोज को स्टार्ट करते हैं। गाइस यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है, सर्च कर लेना आपको यहाँ पे मेरा नाम, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है आपको। ठीक है, जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको फिलहाल मिल जाएगा ये चैनल एंड इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे ज्वाइन करने का ऑप्शन दिखेगा, फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से हमारी टीम होती है एंड कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होता है। ठीक है, मतलब टीम और रैंकिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारी टीम है, जो मैं आपको शेयर करता हूँ फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, और बाकी चलिए हम आज के मैच के बारे में बता दूँ। ये सारी की सारी है स्मॉल लीग टीम, जो मैंने आपको बताया स्मॉल लीग टीम है ये सारी की सारी, और फिलहाल आपको पता है स्मॉल लीग में आप हार ही नहीं सकते मेरी टीम से। ठीक है, चाहे जितने का कॉन्टेस्ट बन गए, अगर आप रियल पे खेलते हैं मेरी टीम से, जो कि आप यहाँ पर इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन और क्रेडिट का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि आप कभी होता क्रेडिट की वजह से आप किसी अच्छे प्लेयर को पिक कर नहीं पा रहे, क्योंकि ड्रीम इलेवन और भी एप्लीकेशन पर आप अभिषेक शर्मा को नहीं ले पा रहे थे अगर ये सारी टीम रख रहे थे ऐसे करके। ठीक है, तो इसीलिए हमने रियल पे खेलना सही समझा और 99% मेरा इन्वेस्टमेंट यही होता है। मैं सारे प्लेटफॉर्म की टीम आपको शेयर करता हूँ, बाकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रियल पे करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट का मसला लो कंपटीशन अच्छा खासा भाई विन करते हैं, क्रेडिट का मसला कुछ भी नहीं होता। चलिए आज के मैच के बारे में बात करते हैं क्या टीम होंगी। तो फाइनली आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया, अब यहाँ पर हम बात करते हैं फिलहाल जो कि रिसेंटली परफॉर्म या तो इस ग्राउंड पे या पिच रिपोर्ट क्या रहेगी, आप यहाँ पे देख लीजिए। तो फिलहाल ये जो मैच होने वाला महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में, जो कि अभी रिसेंटली मैच हुआ है कोलकाता हैदराबाद का, ठीक है, तो वहाँ पे किस प्रकार से परफॉर्म था ये सारा कुछ आपने देखा। मतलब जो कि फर्स्ट इनिंग किस प्रकार से रन कोलकाता ने बनाए 170, ठीक है, प्लस कुछ रन थे, और उसी हिसाब से आपने सेकेंड में देखा किस प्रकार से विकेट गई। और मैंने आपको क्लियर भी किया था कि यह ग्राउंड ऐसा है कि फिलहाल यहाँ पर रन तो पहले बन जाते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको राजस्थान का दिया था कि राजस्थान ने 200 बनाए थे एंड उसके बाद जो टीम वर्सेस में थी तो वो मतलब ऑल आउट हुई थी, और उसी तरीके के कल वो 177 रन एंड फिलहाल जो कि हैदराबाद चेस नहीं कर पाई। ठीक है, तो ये ग्राउंड किस प्रकार से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे छोटा ग्राउंड है, ठीक है, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में जो छोटा है यहाँ पे राइट पे, और फिलहाल जो कि आपने देखा 63 मीटर का, ठीक है, 63 मीटर का सिक्स पहुँच जाता है, मतलब 87 का सिक्स है सामने या लेफ्ट राइट में कहीं पर भी आप देखते हैं मिड ओवर में, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा स्टेडियम रहेगा, तो बैट्समैन को ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड सेकेंड इनिंग में जो बॉल बैट्समैन टाइम स्पेंड करके खेलेगा तो समझ लीजिए कि अच्छी खासी विकेट निकालेगा बॉलर्स, और जो कि फिलहाल बैट्समैन भी विकेट कमाएंगे। टाइम स्पेंड करने वालों का कोई यहाँ पे काम नहीं है, मैं आप बता रहा हूँ, क्योंकि छोटे स्टेडियम रहेगा, आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे कैच उठ जाएगी या तो ऐसा करके, आपने कल के मैच में देखा भी, नोटिस भी किया, एंडरसन को देखा किस प्रकार से बैटिंग हुई, मतलब आप समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई ना, चलिए फिलहाल यहाँ पर ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के बाद, द पिच विल हेल्प राइट आर्म मीडियम फास्ट लेफ्ट और राइट आर्म लेग ब्रेक, जो ये बॉलर्स होंगे इंपॉर्टेंट रहेंगे, बैट्समैन तो अच्छा कर ही रहे हैं इस ग्राउंड पे, एंड जो कि टॉस विन करके बॉलिंग करने का या बैटिंग करने का फैसला रहता है, तो यहाँ पे बॉलिंग का जो कि आपने देखा टाटा एप में अच्छा डिसीजन रहा है सभी मैचेस में। राइट हैंडेड बैट्समैन कैन डू वेल, जो राइट हैंडेड बैट्समैन होंगे अच्छा परफॉर्म करेंगे, बॉलिंग फर्स्ट इज ए बेटर ऑप्शन इन दिस पिच, हाईएस्ट स्कोर जो कि अभी तक 200 प्लस बना है राजस्थान ने इस ग्राउंड पर बनाया, मतलब आप समझ सकते हैं 200 तक बन सकते हैं, तो 200 बनेंगे तो आप समझ लीजिए कि बैटिंग बढ़िया होगी। ठीक है, और बात करें चेन्नई सुपर किंग की परफॉर्म की यहाँ पे इस ग्राउंड पे, तो आप देख सकते हैं गायकवाड़ ने यहाँ पे फिलहाल 28 रन मारे हैं, डेविन कॉनवे ने 56, रॉबिन उथप्पा 1, मोइन अली 34 रन प्लस 2 विकेट, अंबती रायडू 10 रन, रविंद्र जडेजा यहाँ पे इस ग्राउंड पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से परफॉर्म रहा है, तो कुछ खास है नहीं यहाँ पर रविंद्र जडेजा का, और प्लेयर अभी प्लेइंग में शामिल भी नहीं होती इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे।
महेंद्र सिंह धोनी आप देख सकते हैं ज़्यादा रन नहीं, सिमरजीत सिंह 0 विकेट, महेश टिकासाना को 3 विकेट मिली है इस ग्राउंड पे, ब्रावो को यहाँ पे फिलहाल ब्रावो प्लेइंग 11 में शामिल नहीं हुआ, ठीक है, मुकेश चौधरी यहाँ पे 0 विकेट, सिर्फ और सिर्फ महेश टिकासाना को विकेट यहाँ पे मिले इस ग्राउंड में, एंड कुछ बॉलर्स थे जो कि प्लेइंग 11 में शामिल नहीं हुए इसलिए हमने नाम नहीं रखा, उनको भी 1-1 विकेट मिली थी, ठीक है। और फिलहाल अगर वर्सेस में बात करें हम गुजरात के चेन्नई के फिलहाल प्लेयर के, तो यहाँ पे वर्सेस में शुरुआत के अकॉर्ड अगर हम परफॉर्म देखते हैं किस प्रकार से है, तो यहाँ पे ये वाला मैच आपको बता दूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए सारे के सारे काउंट कर लीजिए, उन्होंने टाइम ज़्यादा हो जाता है इसलिए मैंने नहीं किया फिलहाल। यहाँ पे 3 विकेट जो कि ब्रावो ने निकाली थी, ठीक है, मतलब इसी ग्राउंड पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 जो मैच है यहाँ पे चेन्नई का गुजरात के वर्सेस में हुआ था, जैसे कि फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 विकेट महेश टिकासाना, ठीक है, इस ग्राउंड मतलब इसी वर्सेस में गुजरात के। एंड फिलहाल बैटिंग की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ का परफॉर्म देखते हैं वर्सेस में, तो फिलहाल अच्छा है, मतलब बढ़िया है, अच्छा क्या बहुत बढ़िया है, जो कि 73 रन ना ये जो कि वर्सेस में गायकवाड़ ने मारे हैं। एंड रॉबिन थापा की अगर हम बात करें तो रॉबिन थापा ने यहाँ पे फिलहाल कुछ खास नहीं, 3 रन है, शिवम दुबे तो प्लेइंग में शामिल नहीं, और अगर खेलता था बंदा तो बढ़िया परफॉर्म है यहाँ पे शिवम दुबे का भी वर्सेस में। अंबती रायडू की अगर हम बात करें तो अंबती रायडू ने भी 46 रन मारे इस ग्राउंड पे, मतलब सॉरी वर्सेस में ग्राउंड पे यहाँ पे 10 रन मारे, रविंद्र जडेजा तो खेल नहीं रहे, तो इस प्रकार से ये परफॉर्म रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें चेन्नई गुजरात की बैटिंग ऑर्डर के बारे में, तो बैटिंग ऑर्डर आपको पता है कि अभी मैथ्यू वेड भी आ गए हैं, मैं बैटिंग ऑर्डर वृद्धिमन सा सुमन के लिए ओपन, उसके बाद तीसरे में मैथ्यू वेड, फिर साई सुदर्शन खेल नहीं रहे, फिर उसके बाद हार्दिक पंड्या डेविड मिला, इस प्रकार राहुल तिवतिया, ये सारे के सारे बैटिंग चलेगी, ठीक है। अगर बैटिंग हम यहाँ पर बात करें इस स्टेडियम में, तो फिलहाल वृद्धिमन साह 5 रन है, ठीक है, इस ग्राउंड पर। एंड उसके बाद सुमन गिल का जो कि मैं आपको बता दूँ ग्राउंड पर यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ग्राउंड पर तो खास है ही है, क्योंकि गुजरात टाइटंस ने यहाँ पर 2 मैचेस खेले हैं, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 84 और 63 शुभमन गिल का ग्राउंड पे परफॉर्म है। एंड अगर बात करें चेन्नई के वर्सेस में तो 0 है, ठीक है। अब मैथ्यू वेड की अगर बात करें इस ग्राउंड पे, तो पहले मैच 1 और फिर 7, सो साई सुदर्शन प्लेइंग में शामिल, हार्दिक पंड्या 31 रन प्लस 1 विकेट और 11 रन, आप समझ सकते हैं। एंड वर्सेस की अगर हम बात करें हार्दिक पंड्या के, तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं जो कि 5वां मैच, ठीक है, 5वां मैच जो कि यहाँ पे गुजरात का था वो चेन्नई के वर्सेस में हुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि फिलहाल जो कि चेन्नई वर्सेस में 87 रन प्लस 1 कर हार्दिक पंड्या का है। डेविड मिलर की कोई बात करें तो डेविड मिलर का यहाँ पे 27 रन है वर्सेस में, एंड ग्राउंड पे देखेंगे 26 और 26, मतलब डेविड मिलर टीम में रखने लायक प्लेयर रहेगा। राहुल तेवतिया फिलहाल 14 और 22 वर्सेस में अगर हम बात करते हैं तो वर्सेस में 17 रन। बॉलर्स की अगर हम बात कर लें तो फिलहाल यहाँ पे राशिद खान देख सकते हैं इस ग्राउंड पे 1 विकेट 4 विकेट, अलजरी जोसेफ 0 विकेट, लोकी फर्गुसन प्लेइंग में शामिल नहीं हो रहा, एंड शामिल होता है तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से परफॉर्म 4 विकेट इस ग्राउंड पे ही है लोकी फर्गुसन की, ठीक है। एंड इसलिए प्लेइंग में शामिल नहीं, मोहम्मद शमी 2 विकेट एंड 1 विकेट, ठीक है, 2 विकेट एंड 1 विकेट इस ग्राउंड पर, मतलब बढ़िया विकेट ले रहा है। यश जयल हमने टीम में रखा था रिसेंटली, आपने देखा था, प्लस 2 विकेट है, मतलब बॉलर्स अच्छा है, अच्छा जंप कराता है बॉलिंग को, तो मतलब विकेट मिलने के चांसेस हो भी सकते हैं, ग्राउंड छोटा भी है, मिल भी नहीं सकती विकेट में, इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि मतलब कोई भी अगर समझदार बैट्समैन आ गया तो वो सिर्फ और सिर्फ बैक फुट में ही रन मार देगा अच्छा खासा यश डेल, क्योंकि जंप कराता है बॉलिंग और बैट्समैन को ज़्यादा हेल्प मिल सकती है, तो इस हिसाब से मतलब यश डेल भी इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब अगर बैट्समैन समझदार नहीं है तो, क्योंकि विकेट तो मिलनी है भाई, कैच तो उठनी है, टाइम स्पेंड करेगा बैट्समैन तो विकेट जाएगी। रवि श्रीनिवास साई 2 विकेट रिसेंटली परफॉर्म, मैं बता रहा हूँ पहला मैच खेला है और 2 विकेट इसी ग्राउंड पर निकाल लिया। अब बात कर लेते हैं हमारी टीम की, तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटिंग ऑर्डर आपको पता होगा चेन्नई का फिलहाल किस प्रकार से, तो गायकवाड़ और डेविन कॉनवे ओपन होते हैं, एंड उसके बाद रॉबिन थापा मोइन अली अभी रिसेंटली आए हैं, इसके पहले वाले मोइन अली को 5वें 6वें नंबर पर भेजा गया था, मोइन अली भी 3रे नंबर पर आ गए थे, फिर उसके बाद रॉबिन थापा, ठीक है, एंड उसके बाद रायडू, फिर महेंद्र सिंह धोनी, ये सारे के सारे इस प्रकार से बैटिंग इनकी चलती रहती है। अब बात करें यहाँ पे फिलहाल टॉस प्रेडिक्शन की, तो फिलहाल टॉस जो कि चेन्नई विन करेगी जहाँ तक, बॉलिंग करेगी, तो बैटिंग जो कि यहाँ पे फिलहाल गुजरात करेगी, तो उस हिसाब से हम टीम बनाएंगे, एंड किस प्रकार से फिलहाल हमारा कैप्टन वाइस कैप्टन होगा, कौन बेस्ट हो सकता है, ये सारा कुछ मैं आपको बता दूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सुमन गिल का भी परफॉर्म वर्सेस में बढ़िया नहीं है, बट ग्राउंड पे बढ़िया है, ठीक है, 84 और 63, तो कैप्टन या वाइस कैप्टन हमने रिसेंटली भी वाइस कैप्टन बनाया था, आपको पता होगा, तो मोइन अली और सुमन गिल कैप्टन वाइस कैप्टन, ठीक है, तो इसमें भी आप मोइन अली और सुमन गिल को बना सकते हैं। सुमन गिल को फिलहाल हमने वाइस कैप्टन बनाया था, मोइन अली को हमने कैप्टन बनाया था, रिसेंटली वाले मैच की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप मोइन अली को कैप्टन, सुमन गिल को वाइस कैप्टन, ठीक है, बढ़िया कॉम्बिनेशन रहेगा। और कॉनवे की अगर बात करिए, फ्लॉप रहेगा, यानी कॉनवे ने भी यहाँ पे 56 रन मारे हैं, और मैंने आपको बताया था कि फ्लॉप रहेगा, रिसेंटली बताया था फ्लॉप हुआ भी है, ठीक है, तो मोइन अली सुमन के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा कैप्टन वाइस कैप्टन का, ये आपको बता देता हूँ। और टीम क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ, तो फाइनली कहीं आप यहाँ पर वृद्धिमन साह को रख लीजिए,
बैटिंग सेक्शन से कॉनवे, शुभमन गिल, गैकवर्ड, ठीक है, डेविड मिलर, डेविड मिलर का भी बढ़िया परफॉर्म है। ऑलराउंडर सेक्शन से मोइन अली, हार्दिक पांड्या। अब यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन से आप देखते हैं तो फिलहाल राशिद खान, ब्रावो ने भी 3 विकेट यहाँ पे लिए, मोहम्मद शमी एंड अब मुकेश चौधरी का परफॉर्म देख रहे हैं तो कुछ खास नहीं इस ग्राउंड पे, ना ही वर्सेस में। तो महेश टिकासा ने 3 विकेट निकाली थी, ठीक है, तो महेश टिकासाना को हम रख लेते हैं। ये 4 सिलेक्शन आप रख लीजिए इस प्रकार से। एंड फिलहाल अगर आपको कुछ मतलब लग रहा है तो भाई आप हार्दिक पांड्या को भी ड्रॉप कर सकते हैं मेरे हिसाब से, आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मतलब बॉलिंग तो मतलब करा नहीं रहा, आपको पता है बॉलिंग हार्दिक पांड्या करा नहीं रहा, ठीक है, हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं कर रहा, तो आप हार्दिक पांड्या को ड्रॉप कर सकते हैं। बैटिंग के अगर हिसाब से रखना चाहते तो रख लीजिए, नहीं तो मेरे हिसाब से ड्रॉप करना ही ठीक रहेगा हार्दिक पांड्या को, अगर बॉलिंग की तरीके से, क्योंकि बॉलिंग में भैया स्टाइल भी बढ़िया है। एंड उसके बाद यहाँ पे अल्जरी जोसेफ भी विकेट निकाल रहा है, यहाँ पे सिमरजीत सिंह भी यहाँ पे विकेट निकाल रहा है, 2 मैचेस में बढ़िया विकेट निकाली सिमरजीत सिंह ने, ऑलराउंडर सेक्शन से यहाँ पे बता दूँ। और साई किशोर भी विकेट, 2 विकेट हैं, तो मतलब अगर चाहें तो हार्दिक पांड्या को ड्रॉप कर सकते हैं, चाहें तो रख सकते हैं। ग्रैंड रिकमेंडेशन बता रहा हूँ, कैप्टन वाइस कैप्टन आप यहाँ पर फिलहाल मैंने आपको बताया कि मोइन अली, शुभमन गिल, ये आप कर दीजिए, ठीक है, प्लेयर आप देख लीजिए किस प्रकार से। और बाकी एक मैं आपको ब्रावो को भी बनाना ठीक है सामने, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, कन्फर्म बता दूँगा टेलीग्राम पर, ये टीम आप मतलब ये रहेगी इसी प्रकार से हम कॉम्बिनेशन से बनाएंगे टीम, बाकी जो और टीम रहेगी मैं टेलीग्राम आपको बता दूँगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, रियल पर खेलना है तो खेल लीजिए भाई, बहुत अच्छा बढ़िया बेनिफिट हो जाता है वहाँ पर, टीम मैं आपको शेयर कर देता हूँ, वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ टाइम टू टाइम, डाउनलोड कर सकते हैं, सेकेंड इनिंग भी आप वहाँ पर खेल सकते हैं। तो होप वीडियोज़ पसंद, लाइक कर ले, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।